15 अगस्त 1947 को लाहौर से आने वाली टेंटन एक्सप्रेस जब अमृतसर स्टेशन पर आकर रुकी तो स्टेशन मास्टर छेनी सिंह ने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। छेनी सिंह ने देखा कि ट्रेन की सभी खिड़कियां तो खुली थी लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर छेनी सिंह को जब थोड़ा शक हुआ तो वे आगे बढ़ते हैं और झटके के साथ एक डिब्बे का दरवाजा खोलते हैं। छेनी सिंह के दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक ऐसा दृश्य आता है कि उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। छेनी सिंह के पैर कांपने लगते हैं। वो देखते हैं कि लाहौर से आने वाली इस टेंटन एक्सप्रेस में सैकड़ों की तादाद में यात्री थे, पर फर्क सिर्फ इतना था कि ये यात्री जिंदा नहीं थे। लाहौर से रवाना हुई टेंटन एक्सप्रेस अमृतसर तक पहुँचते पहुँचते मुर्दों की ट्रेन बन चुकी थी। टेंटन के हर डिब्बे में लाशें ही लाशें थी। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर, किसी की गर्दन उसके धड़ से अलग थी तो किसी की खोपड़ी चकनाचूर हो रखी थी। कई लाशें तो ऐसी थी जिनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। छेनी सिंह हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और हर डिब्बे का दरवाजा खोलकर देखते हैं, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हर डिब्बा मुर्दों से भरा हुआ था। छेनी सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक जाते हैं। ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पास पहुँचते ही वो सब कुछ समझ जाते हैं कि ये सब क्या था। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि नेहरू और पटेल को आज़ादी का तोहफा। अमृतसर स्टेशन पर घटी ये घटना बेहद ही डरावनी थी, पर ये सिर्फ टेंटन एक्सप्रेस तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ये उस समय की लगभग हर ट्रेन की कहानी थी। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होते ही लाहौर और कराची के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख बहुल इलाकों के पानी के कनेक्शन काट दिए। लोग प्यासे मर रहे थे लेकिन पानी के लिए वे अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सकते थे, क्योंकि उनके घर के बाहर हवा में लहराती हुई हजारों तलवारें उनके स्वागत के लिए बेताब थी। कराची और लाहौर में हजारों की तादाद में हिंदू और सिख मारे गए, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किए गए। उस वक्त माँ बहन और बेटी शब्द का तो कोई मतलब नहीं था। पर अब सवाल ये उठता है कि जब ज्यादातर मुस्लिमों को उनकी इच्छा के मुताबिक एक अलग देश दे दिया गया, फिर उन्हें किस बात का गुस्सा था? आखिर बंटवारे के बाद भी लोग एक दूसरे को मारने पर क्यों उतारू थे? और आखिर क्यों वो लोग जो आज़ादी से महज कुछ साल पहले तक देश के लिए एक साथ मर मिटने को तैयार थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए? ये सब जानेंगे आप वीडियो में आगे। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के अलग अलग देश बनने के बाद इनके बीच सामान का बंटवारा किस तरह हुआ। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद शाम 5 बजे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में झंडा रोहण करना था। उस वक्त प्रिंसेस पार्क में मौजूद हर आदमी की आंखों में आंसू थे। लोग इतने खुश थे कि एक बार के लिए तो वे अपनी जिंदगी का हर दुख दर्द भूल गए, लेकिन एक दर्द ऐसा भी था जो बुलाए नहीं भुला जा रहा था, और वो दर्द था बंटवारे का दर्द। इस बंटवारे के कारण लोगों को जितना अपनों से बिछड़ने का डर था, उससे भी ज्यादा बंटवारे के कारण होने वाली हिंसा का डर था। उन दिनों माहौल इतना खतरनाक हो चुका था कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज़ादी से ठीक 9 दिन पहले अमृतसर में भीड़ के द्वारा 60 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद बदले के लिए लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास 74 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया, और फिर इसके बाद तो ये मार काट एक सामान्य सी बात बन गई थी। अगस्त का पूरा महीना खून से सना हुआ रहता है। इस हिंसा के कारण अमृतसर में हर रोज 100 से भी ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए जाते। ये आंकड़ा तो सिर्फ अमृतसर का था, सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तान में कितने लोगों की जान जा रही थी ये आंकड़े किसी के पास नहीं थे। पाकिस्तान के लाहौर और कराची में हिंदुओं और सिखों के हालात बेहद खराब थे। हिंदुस्तान में जहां प्रशासन हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहा था, वहीं कराची और लाहौर में प्रशासन खुद ही लोगों को मरवा रहा था। जब भारत की आज़ादी से कुछ दिन पहले पाकिस्तान का बंटवारा तय हुआ तो लोगों के विस्थापित होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी दौरान दिल्ली से पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को रवाना किया जाता है। इस ट्रेन में पाकिस्तान के वो नए नवेले अफसर और उनका परिवार था जो वहाँ पर जाकर अपना काम संभालने वाले थे। ये ट्रेन दिल्ली से तो सुरक्षित तरीके से रवाना होती है, लेकिन पटियाला पहुँचते ही इसे रुकवा दिया जाता है और फिर ट्रेन में मौजूद यात्रियों के साथ मारपीट की जाती है।
इस मारपीट में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। ये पहली बार था जब किसी ट्रेन पर हमला किया गया। इस हमले की खबर जब लाहौर और कराची तक पहुंची, तो इसका बदला लिया गया। लाहौर से अमृतसर के लिए जाने वाली ट्रेन लाहौर से तो जिंदा यात्रियों को लेकर निकलती है, लेकिन अमृतसर तक पहुंचते पहुंचते इस ट्रेन में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचता। पूरी ट्रेन में सिर्फ मुर्दे ही मुर्दे थे। इन ट्रेन हादसों में जिंदा बचे कुछ लोग जब आगे जाकर अपनी कहानियां सुनाते हैं, तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमृतसर ट्रेन हादसे के एक गवाह निशिध हजारी अपनी किताब मिडनाइट फ्यूरीज में बताते हैं कि लोग पागल हो चुके थे। कई लोग हाथों में तलवारें लिए उनकी ट्रेन में घुसते हैं और उनकी आंखों के सामने लोगों को एक एक करके काटना शुरू कर देते हैं। वो उपद्रवियों का एक समूह लोगों को ऐसे काट रहा था जैसे उनके सामने कोई इंसान न होकर निर्जीव सामान हो। आगे बताते हुए हजारी कहते हैं कि उस वक्त माहौल ऐसा हो चुका था कि हवा भी इंसानों के खून से महक रही थी। हजारी एक पुरुष थे, लेकिन बावजूद इसके उनकी हालत इतनी बदतर थी, तो जरा सोचिए उस वक्त की महिलाओं की हालत कैसी हुई होगी। उस दौर में महिलाओं का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था। अगर कोई बहन बेटी गलती से भी घर से निकल जाती, तो उपद्रवी पहले उसके साथ बलात्कार करते और फिर उसे मार डालते। उस बेकाबू भीड़ के सामने बहन बेटी और माँ जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते थे। दोनों तरफ के लोगों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियाँ चलती फिरती मुर्दाघर बन गई। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बंटवारे के उस भयानक दर्द को बयां करती हैं। लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों को अपना घर बार और व्यापार सब कुछ छोड़ना पड़ा। ये विस्थापन इंसानी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन था। इस बंटवारे में लगभग 15 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन लाखों लोगों की मौत के जो सबसे बड़े जिम्मेदार थे, वो थे अंग्रेज और मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जिन्ना की सोच काफी कट्टरवादी थी, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बना पाना मुमकिन नहीं था। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और जिन्ना ने मिलकर हालातों को इतना खराब कर दिया कि 1947 तक आते आते पटेल और नेहरू के पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अगर बंटवारा नहीं होता तो गृह युद्ध भड़क जाता और एक नए नए आजाद हुए देश के लिए गृह युद्ध भड़कने का मतलब था दोबारा गुलामी। 3 जून 1947 को भारत को आजाद करने की तारीख तय हुई और साथ ही पाकिस्तान को अलग करने का फैसला भी हुआ। यह तय किया गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा। अब भारत के आजाद होने और पाकिस्तान के अलग होने में सिर्फ 73 दिन बचे थे। इन 73 दिनों में जमीन का, लोगों का, भारत में मौजूद रुपये का और बाकी सभी का बंटवारा करना था। बंटवारे का ये काम HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सौंपा गया। इन दोनों अधिकारियों के नीचे भी कई और छोटे मोटे अधिकारी थे जो इन्हें अलग अलग इलाकों के मुताबिक रिपोर्ट बनाकर भेज रहे थे, और फिर ये लोग उन रिपोर्टों के आधार पर बंटवारा करके अपनी सिफारिश विभाजन परिषद के पास भेजते थे। इस विभाजन परिषद के मुखिया थे लॉर्ड माउंटबेटन। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि भारत के बैंकों में पड़ा 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया और इसके बदले पाकिस्तान को भारत के हिस्से का 17.5% ऋण चुकाना था। सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत को और 20% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। इन चल संपत्तियों में टाइपराइटर, मेज और कुर्सी जैसी चीजें थी। लाइब्रेरी में मौजूद किताबों का भी बंटवारा किया गया। कई शब्दकोशों को आधा आधा फाड़ कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। इसके अलावा कुछ विभाग ऐसे भी थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने से बिल्कुल मना कर दिया। इनमें से एक विभाग भारतीय खुफिया विभाग भी था। भारत में नोटों की छपाई के लिए उस वक्त 7 प्रिंटिंग प्रेस मशीनें थी, लेकिन पटेल ने एक भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान को देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिससे बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को कोई भी प्रेस मशीन नहीं मिली। और इसलिए शुरुआत में पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर अपनी मुहर लगाकर उन्हें काम में लेना शुरू किया। इन सब फिजिकल चीजों के अलावा भारतीय सेना का भी बंटवारा हुआ। भारतीय सेना के 2/3 जवान भारत के साथ रहे, जबकि 1/3 जवानों को पाकिस्तान भेज दिया गया। उस वक्त जिन लोगों ने बंटवारे में अपनी जान गंवाई, उनमें से अधिकतर लोग तो ऐसे थे जिन्हें इस बंटवारे से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन नेताओं के लिए कोई इंसान इंसान नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक वोट होता है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।